डेथ नोट इज द मोस्ट पॉपुलर एनिमे इन द वर्ल्ड। एक ऐसा एनिमे जिसका सिर्फ एक सीजन और 37 एपिसोड है। एक सीजन में ही इसकी कहानी को परफेक्ट एंडिंग दी गई है, लेकिन फैंस इसके दूसरे सीजन की डिमांड करने लगे, जिसकी वजह से डेथ नोट के राइटर सुगुमी ओबा ने एक वन शॉट मांगा रिलीज की। तो आज मैं तुम्हें उसी मांगा की कहानी सुनाऊंगा। तो वक्त न बर्बाद करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है रियुक और एक नए शिनिगामी के साथ। नया शिनिगामी रियुक को डेथ नोट वापस करता है और कहता है कि मैं डेथ नोट को तुम्हारे देखे इस्तेमाल नहीं कर पाया। रियुक कहता है हाँ ठीक है वापस कर दो, लेकिन तुम्हारे पास मुझे देने की कुछ और भी है। फिर शिनिगामी रियुक को सेब देता है। साले हरामी को सिर्फ सेब ही खाने होते हैं। रियुक बोलते हैं कि मुझे और सेब चाहिए, मुझे ढूंढना होगा एक और लाडिगामी जो मुझे सेब भी कराए और मुझे इंटरटेन भी करे। ये कहकर रियुक इंसानी दुनिया में आ जाता है। तो अब आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में, जो है मई 2019। रियुक एक लड़के के घर में घुसाता है और उसके सर पर डेथ नोट रख देता है और उस लड़के को फ्लैशबैक आने लगते हैं और वो कहता है हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम 2 साल के बाद आए हो। रियुक कहता है हाँ मैं 2 साल के बाद वापस आ चुका हूँ। चलो फिर 2 साल पीछे चलते हैं जहाँ ये सब शुरू हुआ था। तो हमें किसी स्कूल के फैकल्टी रूम को दिखाया जाता है जहाँ के टीचर बात कर रहे होते हैं कि मिनोरू तनाका ने इस साल भी टॉप किया है और वो पिछले 3 साल से टॉप कर रहा है और वो जापान के मिडिल स्कूल का सबसे स्मार्टेस्ट स्टूडेंट है। IQ वाले एग्ज़ाम में तो मिनोरू के अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में सिर्फ उसके 28 आते हैं। इससे ज़्यादा तो मैं अंधी मार ही नहीं आता। और यही बात वो ग्राउंड में बैठा सोच रहा था कि तभी आसमान से उसके ऊपर एक बुक गिरती है और वो बुक है डेथ नोट। और तभी वो अपने पीछे देखता है तो उसके पीछे रियुक खड़ा होता है। वो रियुक को देख कर डर जाता है और चिल्लाने लगता है। रियुक बोलता है कि मैंने सुना तू स्मार्ट है। मिनोरू बोलता है कि नहीं मेरे मार्क्स भी काफ़ी कम आते हैं, तुम खुद ही देख लो। रियुक कहता है कि मैंने सुना है कि तू पिछले 3 सालों से टॉप कर रहा है। मिनोरू बोलता है हाँ पर इंटेलिजेंट टेस्ट में और वैसे नहीं। मिनोरू बोलता है कि मैं बचपन से ही IQ वाले गेम्स अपने स्मार्टफोन में खेलता था और मैं अपना सारा टाइम बर्बाद करता हूँ। समझदार तो वो लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर रहे हैं, वो भी इस ज़माने में। तो रियुक बोलता है कि छोटे इसका मतलब तू बेवकूफ़ है। मिनोरू कहता है नहीं पता रहो कि इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हूँ। मिनोरू रियुक को अपने साथ अपने घर ले आता है और वो बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं ये सोच के कि उसके हाथ में जो बुक है वो कीड़ा इस्तेमाल करता था। रियुक कहता है शांत हो जा छोटे, लोग मुझे तो नहीं सुन सकते लेकिन तेरी आवाज़ को वो ज़रूर सुन सकते हैं। मिनोरू रियुक से पूछता है क्या वे वही बुक है जो कीड़ा इस्तेमाल करता था और उसी बुक से उन्होंने क्राइम रेट्स को कम किया है। रियुक कहता है हाँ लेकिन तुझे कीड़ा के बारे में इतना कैसे पता है। मिनोरू बोलता है खाली मुझे ही नहीं स्कूल के सभी स्टूडेंट को पता है, हमारे बुक में कीड़ा के ऊपर एक चैप्टर भी है। रियुक बोलते हैं कि तुम लोग कीड़ा को इतना बड़ा मानते हो। मिनोरू बोलता है नहीं हम कीड़ा को एक शैतान मानते जो एक टेररिस्ट था जिसने काफ़ी सारे मर्डर्स करे हैं, लेकिन कुछ लोग कीड़ा को अच्छा भी मानते हैं। मिनोरू पूछता है क्या सच में इस बुक से हम गॉड बन सकते हैं। रियुक कहता है तुम खुद ही इसको खोल के पढ़ लो। मिनोरू बुक को खोलता है और कहता है ये तो इंग्लिश में है, प्लीज इसे ट्रांसलेट कर दो यार। रियुक बोलता है अब तुम मुझे ट्रांसलेटर भी बनाएगा। फिर डेथ नोट की वही पुराने रूल्स पर आ जाते हैं कि 40 सेकंड में बंदा ख़त्म और ये वो उसकी माँ का। रूल्स पढ़ने के बाद मिनोरू को यकीन हो जाता है कि हाँ ये वही बुक है। मिनोरू लाइट के बारे में और पूछता है। रियुक बोलता है हाँ मैं तुझे सब बता लूँगा लेकिन पहले मुझे सेब दे। मिनोरू सेब दे देता और बोलता है मेरी मॉम एप्पल डाइट पे है। एप्पल डाइट क्या होती ये तुम मुझे कमेंट में बताना क्योंकि मैंने तो पहली बार सुना है वो भी इसी मांगा में। रियुक उसे कीड़ा के बारे में बता देता है। मिनोरू बोलता है हाँ यार लाइट तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट था। रियुक कहता है कि हाँ उसके पूरे नेशन में ही सबसे ज़्यादा मार्क्स आते थे। फिर मिनोरू रियुक से बोलता है कि जो लाइट ने प्लान बनाया था वो तो अब काम नहीं आएगा, 10 साल में काफ़ी कुछ बदल गया है। आजकल हर जगह पर CCTV कैमरास लगे हैं, हर किसी व्हीकल स्ट्रीट्स में कैमरा लगे होते हैं। जैसे लाइट मारता था लोगों को वैसे मैं नहीं मार पाऊँगा। और कहते हैं कि अगर मैं इंटरनेट का इस्तेमाल करूँगा ब्रॉडकास्ट इस्तेमाल करने के लिए तब भी मैं पकड़ा जाऊँगा क्योंकि साइबर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, मैं काफ़ी आसानी से पकड़ा जाऊँगा। और अगर मैं अपना फ़ोन का यूज़ करूँगा तो CBI उसे भी ट्रैक कर लेगी। मिनोरू ये सोचता है कि आज के समय डेथ नोट को यूज़ कैसे करें और साथ में उसके दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि अगर लाइट होता तो कुछ ना कुछ करके वो डेथ नोट का इस्तेमाल कर लेता। रियुक बोलता है छोटे तू भी कुछ ना कुछ कर सकता है ना। मिनोरू समझ जाता है कि रियुक चाहता है कि वो भी लाइट की तरीके डेथ नोट का इस्तेमाल करें, लेकिन मिनोरू खुद डेथ नोट का यूज़ नहीं करना चाहता है और वो सोचता है कि अगर मैंने डेथ नोट को वापस कर दी तो उसकी मेमोरी और डेथ नोट की ओनरशिप दोनों ही चली जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि रियुक किसी और को जाकर डेथ नोट दे दे। मिनोरू यही सोचता है कि ये बहुत पावरफुल बुक है, इसका नाम लिखोगे वो मर जाएगा। मिनोरू काफ़ी परेशान हो जाता है। तभी रियुक बोलता है कि भाई तेरे पास कोई जवाब है ना। मिनोरू रियुक से 2 सवाल करता है। पहला सवाल मिनोरू के अलावा रियुक को कौन कौन दे सकता है। रियुक बोलता है छोटे तेरे अलावा मुझे वो लोग दे सकते हैं जिसने डेथ नोट कुछ हुआ था, उसमें कुछ डिटेक्टिव और नियर भी हैं। मिनोरू दूसरा सवाल पूछता है
कि एक शिनिगामी डेथनोट के नए यूजर से कितना दूर रह सकता है। रिप कहता है कि इसमें कोई लिमिट तो नहीं है, लेकिन तू एक नंबर मांग के चल ले 14 किलोमीटर। मिनोरू कहता है मैंने सोच लिया है, मैं तुझे डेथनोट की ओनरशिप वापस दे रहा हूँ, पर तुम 2 साल के बाद वापस आओगे और मैं तुमसे डेथनोट वापस ले लूँगा और मैं तुम्हें रोज एक एप्पल दूंगा। रिप कहता है क्या मुझे 2 साल तक एप्पल खाने को नहीं मिलेंगे? मिनोरू कहता है कि ये 2 सालों में तुम डेथनोट को किसी को भी दे सकते हो, पर तुम 2 साल के बाद वापस आओगे मुझे डेथनोट वापस करने के लिए। रिप कहता है हाँ चलो ठीक है, डील पक्की। यही था फ्लैशबैक जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। और हाँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मैं जानता हूँ कि तुम पूरी वीडियो नहीं देखोगे, किसी मारे मैंने इस वीडियो का पार्ट 1 बनाया और मैं बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।